हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजूकेयर टूडे वी आर लर्निंग नंबर सिस्टम्स दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर नाइन्थ मैथमेटिक्स एन सी आर टी आपने नंबर्स के बारे में ऑलरेडी लर्न किया है ओके नंबर्स क्या होते हैं नंबर को कैसे रीड करना है ओके देन नंबर्स के मैथेमेटिकल ऑपरेशन उसमें आपने मल्टीप्लीकेशन डिविजन देन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये लर्न किया आगे जाके आपने नंबर्स के टाइप्स भी लर्न किए उसमें नेचुरल नंबर्स लर्न किया होल नंबर्स लर्न किया इंटीजर्स देखे देन रैशनल नंबर क्या होते वो भी हमने लर्न किया देन आफ्टर दैट आपने उनके इंडिविजुअल ऑपरेशन भी देखे मतलब रैशनल नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन देन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होल नंबर्स का इंटीजर्स का ये सब ऑलरेडी हमने लर्न किया देन आपने उनकी प्रॉपर्टीज लर्न की करेक्ट सो आज हम इस चैप्टर में क्या लर्न करने वाले हैं देखिए है. सबसे पहले नंबर सिस्टम्स इंट्रोडक्शन में देखिए इन यूर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन आपने नंबर लाइन के बारे में लर्न किया है कैसे बनानी है कैसे आपने देखा था कि रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर्स जैसे कि नंबर लाइन पे उनके बीच के नंबर कितने होते हैं अगर हमें बताने हैं तो आप बता सकते हो नहीं ना दे आर इन्फा आप जितनी उसे जैसे एक्सपांड कर सकते हो उतना आप इसे एक्सपांड कर सकते हो मतलब इस वन एंड टू में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं ओके एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन इट आपको पता है कि कैसे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं जैसे कि मुझे अगर आपको कहना है कि माइनस थर्टी अपॉन फोर्टी शो करो नंबर लाइन पे आप आसानी से यहाँ पर शो कर सकते हो करेक्ट ना कर सकते हो ना आप यहाँ पर येस yes. तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं नंबर शो करते हैं नंबर लाइन नेचुरल नंबर्स की हो सकती है होल नंबर्स की हो सकती है इंटीजर्स की हो सकती है रैशनल नंबर्स की भी हो सकती है ओके सो जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो आप क्या कर रहे हो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग दिस नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब आप क्या कहा जा रहे हो राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो एज फार योर आईज यू कैन सी देर आर नंबर्स नंबर्स एंड नंबर्स आप जितना दूर चलते जाएंगे आपको नंबर्स दिखाई देंगे आपको ऑलरेडी पता है ये जो नंबर लाइन है जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ ये क्या होती है इन्फानाइट नंबर्स होते हैं आप जितना उसे एक्सपांड करना चाहते हो आप उसे एक्सपांड कर सकते हो करेक्ट मतलब आप जितना दूर जा सकते हो आप उतना दूर जा सकते हो बिकॉज ये इन्फानाइट नंबर से आपको आगे वाला नंबर आगे वाला नंबर आगे वाला नंबर 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 एंड सो 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 ऑन नंबर मिलते ही जाएंगे नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स आपने क्या किया कुछ नंबर्स आप कलेक्ट करते जा रहे हो ठीक है सो गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम आपको क्या करना है जस्ट इमेजिन करिए एक बैग है और उसमें आप नंबर्स कलेक्ट करते जा रहे हो ठीक है देखिए यू माइट बिगिन विद द पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स पहले आपने क्या किया ओनली नेचुरल नंबर्स पिक किए जैसे कि वन टू थ्री एंड सो ऑन ओके आगे कौन कौन से नंबर है फोर फाइव सिक्स सिक्स एंड सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सो ऑन यू नाव दैट स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या ये जो लिस्ट है इन्फानेट है बिकॉज नेचुरल नंबर्स इन्फाइनेट होते हैं आप जैसे कि थ्री के आगे वाला नंबर फोर है फोर के आगे फाइव है एंड सो ऑन आप ऐसे नंबर्स बताने से कौन सा एंड होगा करेक्ट सो नाउ यूर बैग कंटेंट्स इन्फिनेटली मेनी नेचुरल नंबर्स सो रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय द सिम्बॉल कैपिटल एन हम क्या करेंगे इस नेचुरल नंबर के जो कलेक्शन है उसे कैपिटल एन से यहाँ पर शो करेंगे नाउ टर्न एंड वॉक ऑल वे बैग पिकअप जीरो आपने क्या किया जस्ट उस बैग uh, जो है उसे ओपन किया एंड अगेन आपने उसमें जीरो ऐड कर दिया अभी वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे वो कलेक्शन हो जाएगा होल नंबर्स का करेक्ट आपने क्या किया उस नेचुरल नंबर में जस्ट जीरो ऐड कर दिया तो जीरो वन टू थ्री फोर सो एंड सो ऑन तो ये सभी नंबर का कलेक्शन क्या हो जाएगा इसे होल नंबर कहलाएंगे और इसे हम डिनोट करेंगे शो करेंगे बाय कैपिटल W से ठीक है नेचुरल नंबर को N से होल नंबर को W से नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मेनी मेनी निगेटिव इंटीजर्स करेक्ट करेक्ट ना आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर आप इस साइड पे जाते हो तो वहां पर निगेटिव नंबर से सो पुट ऑल द निगेटिव इंटीजर्स इन टू योर बैग आपने क्या किया अभी जो निगेटिव इंटीजर्स है वो भी आपने कलेक्ट कर लिए वॉट इज योअर न्यू कलेक्शन अभी न्यू कलेक्शन क्या हो जाएगा इट्स अ इंटीजर्स ना करेक्ट सो रिकॉल दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ जल्दी से यहाँ पर जीरो जीरो के साइड पे वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो सो ऑन सो इट इज डिनोटेड बाय सिंबल जेड हम उसे क्या करते हैं जेड से डिनोट करते हैं शो करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है नेचुरल नंबर को कैपिटल एन होल नंबर्स को डब्ल्यू एंड इंटीजर्स को जेड से शो किया जाता है ओके जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ल्ड ओके ये जो है अभी आपको लग रहा होगा कि नेचुरल नंबर एन से होल नंबर डब्ल्यू से तो इंटीजर को आई से क्यों नहीं तो ये जो जेड से क्यों इसे e शो किया है बिकॉज ये जो है जर्मन वर्ड से आ रहा है ओके जेहलिन विच मीन्स टू काउंट ओके इसका मतलब है सो so यहाँ पर जेड से हम इंटीजर्स को शो करते हैं सो स्टूडेंट्स आर देर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन करेक्ट कुछ नंबर्स बचे हैं ना कौन से नंबर बचे ज़्यादा बल्दी से बताओ मुझे करेक्ट दे आर द रैशनल नंबर्स मतलब फ्रैक्शन वाले फॉर्म वे जैसे कि टू बाय थ्री होगा टेन बाई सेवन होगा सेवन बाई एट होगा नाइनटी बाई हंड्रेड होगा देर आर नंबर्स लाइक वन बाई टू थ्री बाय फोर और इवन माइनस टू हंड्रेड टू थाउजेंड एंड फाइव अपॉन टू थाउजेंड एंड सिक्स इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्सो टू बैग इट विल नाउ बी द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड by क्यू उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो रैशनल कहाँ से आता है देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर रेशियो यस। रैशनल नंबर्स रेशियो से आता है एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वेश्ड करेक्ट ये जो क्वेश्चन को, होता है ना उससे क्या आता है यहाँ पर Q आ जाता है ओके okay? आई इस बात समझ में आपको yes. तो रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होती है डेफिनेशन जल्दी से बताओ अ नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वो क्या होना चाहिए पी एंड क्यूब के फॉर्म में पी बाई क्यूब के फॉर्म में लिखा होना चाहिए यहां पर न्यूमरेटर यह है डिनोमिनेटर अल्सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों भी क्या होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए बट इन दैट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्यू जो है जीरो नहीं हो सकता ऐसा कोई भी नंबर हम उसे रैशनल नंबर कहलाते हैं ओके सो नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाव इन द बैग कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू सो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीज एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल माइनस ट्वेंटी फाइव कैन बी रिटर्न एज माइनस ट्वेंटी फाइव बाई वन सो यर पी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव एंड क्यू इज इक्वल टू वन देअर फॉर द रैशनल नंबर्स ऑल्सो इनक्लूड द रैशनल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स मतलब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स ये जो है बैग किसकी है ये है रैशनल नंबर्स की बैग इसके अंदर हम जो है ऑल इंटीजर्स भी यहाँ पर शो कर सकते हैं करेक्ट माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन टू थ्री ऑल इंटीजर्स आ जाएंगे अभी इंटीजर्स में होल नंबर्स भी थे तो होल नंबर्स की बैग यहाँ पर आ जाएगी ये रही होल नंबर की बैग एंड होल नंबर में आ जाएगा नेचुरल नंबर की बैग बिकॉज जीरो इंक्लूड किया तो होल नंबर की बैग बनती है मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स अभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर मिलकर बनते हैं इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स बट यहाँ पर निगेटिव वाले नंबर्स भी होते हैं निगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स मिल के बनते हैं यहाँ पर इंटीजर्स एंड अगेन अगर उसे हम रेशियो फॉर्मेट में लिखे पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो वो जाते हैं सभी रैशनल नंबर्स मतलब तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स ठीक है यू ऑल्सो नो दैट द रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव द यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एक्जाम्पल वन बाई टू टू बाय फोर टेन बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बाय फिफ्टी फोर्टी सेवन बाय नाइंटी फोर एंड सो सो ऑन So, these are equivalent rational uh, numbers for fractions. Okay, which is fraction bhi Correct na fraction you know? Yes. However, when we say that p by q is a rational number, or when we represent p by q on the number line, we assume that q is not equal to 0 and that p and q have no common factors other than 1. So, on the number line among the infinitely many fractions equivalent to 1 by 2, we will choose 1 by 2 represent all of them. So, now let us solve some examples about the different types of numbers which you have studied earlier classes. You already learned. See, example 1 hai, are the following statements true or false? Give reasons for your answers. Every whole numbers is a natural number. Do all whole numbers natural numbers? Hote hai? Deekhye, whole numbers? Kya honge? 0, 1, 2, 3. थ्री फोर फाइव इन्फाइनइटी नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं मतलब ऑल एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होता है क्या नहीं बिकॉज यहाँ पर जीरो भी है ना ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा अगर हम यहाँ पर वाइस वर्सा मतलब उल्टा कहते कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता ठीक है सो यहाँ पर जीरो होने की वजह से सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते ठीक है सो बिकॉज जीरो इज द होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर इसके वजह से देन सेकेंड वन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर्स सभी इंटीजर्स क्या सभी इंटीजर्स उन्होंने क्या कहा है सभी इंटीजर्स जिसे हम जेड से शो करते हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं कि नहीं बताने बताओ जल्दी से क्या ये रैशनल नंबर्स होते हैं यस yes, ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज एवरी इंटीजर एम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एम बाय वन एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर्स एवरी रैशनल नंबर्स इज एन इंटीजर सभी नंबर्स क्या इंटीजर होते हैं नहीं माइनस टू बाई सेवन ये रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर नहीं है सो so दैट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा दिकॉज थ्री बाई फाइव इज नॉट इन इंटीजर ओके एग्जाम्पल नंबर टू है फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू आपको क्या करना है वन एंड टू के बीच में वाले क्या करना है फाइव रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन लिस्ट टू वे देखिए आप टू वे से भी इसे सॉल्व कर सकते हो रिकॉल दैट टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन आर एंड एस यू कैन ऐड आर एंड एस एंड डिवाइड देम सम बाय टू क्रेट आप क्या करते थे इसका मिडल वाला फर्स्ट अगर हमें नंबर फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे वन बाई टू वन प्लस टू बाई टू इसके एडिशन करेंगे मतलब थ्री बाई टू वन पॉइंट फाइव आ जाएगा मतलब थ्री बाई टू यह हो जाएगा इसके बीच वाला नंबर अभी हम क्या करेंगे थ्री बाई टू एंड टू वा के बीच वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे वन एंड थ्री बाई टू के बीच वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे देन इनके बीच वाला नंबर इनके बीच वाला नंबर इनके बीच वाला नंबर इनके बीच वाला नंबर आप इसे ढूंढे 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 बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे ओके सो बिटवीन वन एंड टू यू कैन proceed this manner to find out more rational numbers between 1 and 2 these four numbers 5 by 4 11 by 18 8 uh, 13 by 8 7 by 4 and so on okay the other option is to find all 5 rational numbers in one step since we want to 5 numbers so we write 1 and 2 as a rational numbers between denominator 5 plus 1 okay so i'm do, do? 6 by 1 do you know? सिक्स बाय सिक्स मतलब देखिए सिक्स बाय वन यहाँ पर हमने सिक्स लिखा एंड सिक्स बाय सिक्स लिखा इसमें क्या डिफरेंस है इसकी वैल्यू सिक्स है बट इसकी वैल्यू क्या है वन है करेक्ट सो वन को हम सिक्स बाय सिक्स भी लिख सकते हैं तो सिक्स बाय सिक्स एंड टू को हम ट्वेल्व बाय सिक्स भी लिख सकते हैं सो so सिक्स 6 सिक्स एंड ट्वेल्व 6 वाले के बीच वाले नंबर आप बता सकते हो आसानी सेवन बाय सिक्स एट 6, सिक्स नाइन बाई स बाई सिक्स आर ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू सो द फाइव नंबर्स आर सेवन बाय सिक्स फोर बाय थ्री थ्री बाय टू फाइव बाय थ्री एंड इलेवन बाय सिक्स कैसे थ्री फाइव बाई टू आ गया हमने इसी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा ओके okay? शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा हमने थ्री थ्री जा थ्री टू देन फाइव टू फाइव टू थ्री जा देन टू फोर जा टू थ्री जा इसे हमने सोल्व किया ठीक है आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा करेक्ट येस तो स्टूडेंट्स रिमार्क देखिए नोटिस दैट इन एग्जाम्पल टू यू हेम आज टू फाइंड फाइव रैशन नंबर्स बिटवीन वन एंड टू बट यू मस्ट हैव रियलाइज दैट इन फैक्ट देर आर इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू करेक्ट ना सो इन जनरल देर आर इन्फिनेटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन Rational numbers. So let us take look at the number given line. Okay, number line again. Have you picked all the numbers? Not it. The fact is that there are infinitely many more numbers left on the number line. Both numbers. So there are gaps in between the places of the numbers you pick up. And not just one or two, but infinitely many.

सो दिस क्वेश्चन वील आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में लर्न करेंगे तो आज हमने क्या देखा जस्ट हमने जो नंबर्स हमने लर्न किए थे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होल नंबर्स रैशनल नंबर नेचुरल नंबर इन सभी सभी का हमने क्या किया जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा और उन्हें कैसे कैसे डिनोट किया जाता है एन नेचुरल नंबर के लिए होता है डब्ल्यू होल नंबर्स के लिए जेड uh, इंटीजर्स के लिए एंड कैपिटल आर रैशनल नंबर्स के लिए ठीक है तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू